जी कोरल ड्रा जिहड़ा सॉफ्टवेयर है इहदा काम हैगा ड्राइंग बनाउणी। ड्राइंग वास्ते आपां पेंट भी यूज कर सकते हैं, ड्राइंग वास्ते होर बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी ने, फोटोशॉप भी है, फोटो एडिटर पता नहीं कहिंदे होणगे। कोरल ड्रा दे विच खासियत यह है कि यह सॉफ्टवेयर वैक्टर बेस्ड ड्राइंग बनाउंदा है। वैक्टर का मतलब की है वो आपां एक वारी तुहानू सामने इत्थे रख के दिखाउणा। वैक्टर इमेज इन्हों कहने, वैक्टर इमेज इज़ ए डिजिटल फाइल दैट इज़ नॉट पिक्सल बेस्ड। पिक्सल बेस्ड से वैक्टर बेस्ड का डिफरेंस की है मैं तुम्हें पेंट खोल के दिखाना। मान लो आप पेंट दे विच कोई ड्राइंग बनाने हैं, ये पिक्सल बेस्ड है। ये विच की हुंदा जे मैं आ पेंसिल टूल यूज करके इत्थे क्लिक करदा, एक बहुत ही ब्रीक, मैं जूम करके वड्डा दिखाने की कोशिश करदा, बहुत ही ब्रीक आलो आ एक बिंदी लगी, बहुत छोटी है। मैं हूँ 800x की 800x की हुई है, ये 800 गुना वड्डी दिख रही है, बट बहुत ब्रीक जी एक डॉट है, इनू आपां पिक्सल कहने हैं। इस पिक्सल का कलर कोई भी हो सकता है, मान लो आपां इत्थों ऑरेंज कलर कहता, ये ऑरेंज पिक्सल बन गया। जिहड़ियां कैमरे तो पिक्चर आपां स्कैन करते हैं या कैमरे तो फोटो क्लिक करते हैं, वह फोटो जो बनती है उस फोटो के विच की हुंदा है, दैट इज़ मेड अप ऑफ दीज बहुत छोटे छोटे टाइनी पिक्सल्स, कलर पिक्सल। तो जिमें हुण मैं इहनू फिर दुबारा छोटा करदा, ये जिहड़ी पिक्चर है ये 100% ही कर लैंदा। ये जिहड़ी पिक्चर है इत्थे आपां जे कोई ड्रॉ करदे हां, आ लाइन पतली है, इहनू आपां मोटी करन वास्ते इत्थों ब्रश यूज कर लैंदे हां। ब्रश आ हैगा, इहनू आपां इदां ब्रश दी थिकनेस होर वधा सकदे हां, प्लस ब्रश मोटा हो गया, कंट्रोल प्लस नाल ब्रश वड्डा हो जाता है। तो हुण जदों ये ब्रश आपां यूज करके एक लाइन इदां दा कुछ ड्रॉ किया, दिस इज़ नॉट ए लाइन, दिस इज़ ए सैट ऑफ पिक्सल। जे मैं वड्डा करके दिखाओ ना तो चैक करो, ये आ देखो इदा ये सारे पिक्सल्स ने। हुण इत्थे की आ जिहड़ा एक मैं क्लिक करदा, एक राउंड एक एक डॉट बन जाती वड्डी सारी, ये डॉट एक नहीं है, दिस इज ए ग्रुप ऑफ मैनी पिक्सल्स। जे मैं छोटा करदा कंट्रोल माइनस नाल, मैं ब्रश छोटा करदा हाँ, करदा करदा सिंगल पिक्सल तो भी पहुँच जाऊगा। आ एक पिक्सल है, आ वड्डा हो गया, आ होर वड्डा हो गया, आ होर वड्डा हो गया, होर वड्डा हो गया। ये मैं ब्रश साइज वड्डा कर रहा, पेंट के ब्रश साइज वड्डा करने वास्ते कंट्रोल प्लस यूज करते हैं। जो आप हम राउंड एक कदे भी राउंड पूरा नहीं हो सकता है क्योंकि पिक्सल्स ने जोड़े, पिक्सल जोड़ा है ना छोटा जहा पॉइंट है, वो स्केयर पॉइंट है, वह जोड़ा साइज है वह किदा का है तुम देखो, आ स्केयर यानी एक पिक्सल एक स्केयर है, वो राउंड नहीं है। तो जो राउंड भी बनना है तो इस तरह बनना है। हुण ये जी पिक्सल है, यह ड्राइंग है, जो आप तो बहुत वड्डी की थी तो आपको एडा डॉट डॉट दिखती है, जे आप छोटी कर लें नॉर्मल कर लें तो फिर आपको ए लगेगा जिमें सीधी गाओ सीधी राउंड ही है। तुम चैक करो, ए मैं छोटा कर लिया, इतने मैं क्लिक करता, हूँ इन्हें छोटा करता, नॉर्मल करते हैं, जोड़ा साइज ओरिजिनल है वो लै गए, तो यह दिखण सानू ए लगता जिमें बिल्कुल गोल है, बट एक कदे भी एग्जैक्टली गोल नहीं हो सकती। ये जड़ी इमेज है पिक्सल बेस्ड है, इन्हों आप कहने रास्टर इमेज। ऑन द अदर हैंड जी आप कोरल ड्रा च डिज़ाइन बनावे उन्होंने असी कहे वैक्टर बेस्ड। वो की हों जिमें हम मैं थोड़ा एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करदा। सपोज दैट के मैं आ एक लाइन ड्रॉ करदा इतों तक तक, हूँ ये जी लाइन कंप्यूटर ने मैमरी सेव की है, ये सेव किमें की होगी, इन्हें लोकेशन सेव कर लेनी है कि दिस लाइन विल बिगिन फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस पॉइंट ज्योमेट्रिकली इस पॉइंट को अपना नाम दे दें, जिनी आ दूरी है इनू एक्स कह लें, जिनी आ दूरी इनू वाई कह दें, मतलब जी हॉरिजेंटल आ पेज द आ पेज का ओरिजन है आप 0-0 मान लिया। जे इतों थले होने तो नैगेटिव है, तो उपर जाने तो पॉजिटिव है, ये हो गया वर्टिकली। इदा ही इनू आप वाई भी कह सकते हैं, वाई उपर नू प्लस है, आ पॉइंट 0 है, इतों थले नू जिहड़ा वाई है वह नैगेटिव है। हुण जिहड़ा यह ऑब्जेक्ट बनाया मैं तुहानू ए दिखाउणा, आ जिहड़ा पिक्सल है इहदी आ पोजिशन नीचे तुसीं देख रहे हो 57.550 कौमा 108.028। आ जिहड़ा 57.550 इत्थे मैं देख रहा, मैं माउस उत्थे हिला रहा, यह हैगा एक्स, जिहड़ी आ नोड है आ जिहड़ा सिरा है यह पॉइंट है, यदि जी पोजिशन है ये 57.550 है, ये MN दे विच है,
इस वेल यूनिट MM यूज़ की हुई है अपन। इट मीनस कि जी एज है ए जीरो है, ए जीरो तो इदा वे 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 ये जी दूरी है ये 57.550 एग्जैक्टली इन्ने MM की दूरी है आ एक्स। इदा ही हेठा तो उपर न दूरी जिते मैं हूँ माउस मैं इतों तो लैके आया तले में लैके आना जी मूवमेंट हूँ माउस की हो रही है ये जरा डिस्टेंस है ये जी टोटल गैप है या टोटल इनू आप कहने वाई यदी जी वैल्यू है इस वे नीचे स्टेटस बार से दिखा रहे हैं यह है 108.028। हुण यह हैगी यदी आ नोड स्टार्टिंग नोड तो यह हैगी एंडिंग वाली नोड। इस नोड पर जो मैं क्लिक करना है तो पोजिशन यदी भी दिख जूगी इतने हूँ लिखा आ गया 197.807, 244.099। तो ये जी पोजिशन है ये एक्स है 197 मीनस के इतों तो इत तक का जो डिस्टेंस है ये MM 197 है जोड़ा हेठा तो उपर न वर्टिकल डिस्टेंस है वाई है ये है 244.09। तो कंप्यूटर ने इस ड्राइंग नू स्टोर किवें किया दिस इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स इनू जूम करके वड्डा करके देखियो ये कोई पिक्सल नहीं नज़र आएंगे ये पिक्सल तो नहीं बनी हुई ये ड्राइंग बनी हुई है मैथमेटिकली उन्हें सेव कर लिया कि इस पोजिशन तो लैके उस पोजिशन तक स्ट्रेट लाइन बन जाए तो स्क्रीन पर सानू वह स्ट्रेट लाइन दिख रही है ये कोई पिक्सल विचकार नहीं है। तो इदा की ड्राइंग कॉरल ड्रा बनती है इदा की ड्राइंग जिदे स्टोर करने वास्ते कंप्यूटर को मैमरी नोट करना पेगा मैथमैटिकल जोमैट्रिकल उदिया डायमेंशन वो कलर्स भी ने तो कलर्स के भी कोड ने। तो इस तरह की इमेज जी मैथमैटिकली सेव होंगी है मैथमैटिकल वे ना सेव होंगी आप कहने वैक्टर बेस्ड ड्राइंग। तो ये कंपैरेटिवली मैमरी थां भी घट घेरनी है इन कंट्रास्ट यही लाइन जो मैं पेन च बना के सेव करूँगा तो इट विल टेक मोर स्पेस इन मैमरी एज कंपेयर टू दिस कॉरल ड्रा फाइल। तो कॉरल ड्रा फाइल ने मैमरी एक लाइन नोट कर लेनी है कि आ पोजिशन तो आ पोजिशन तक एक स्टेट लाइन बने या होर भी जी ड्राइंग्स ने हर एक चीज़ में वो मैथमैटिकल वे ना सेव कर रहा है टैक्स के रूप सेव कर रहा है नॉट ओनली नॉट इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स। तो हूँ असी कॉरल ड्रा की स्टार्टिंग दे जाने कॉरल ड्रा सॉफ्टवेयर अपने इंस्टॉल किया हो ऐप अपने कंप्यूटर हैगी है इनू जो असी ओपन करते हैं बिगनिंग पुछता नवी फाइल खुलनी है कि पुरानी फाइल खुलनी है सिंपल है तुम देख लोगे या मैं एक बार बंद करके दोबारा भी खोल देना कॉरल ड्रा इनू मैं सेव नहीं करता अगेन इनू मैं बंद कर देना सेव नहीं करता मैं कॉरल ड्रा स्टार्ट कर रहा हाँ मेरे ओह हाँ मेरे इस लैपटॉप के कॉरल का वर्जन पुराना है कॉरल 11 बट नवे वर्जन के फीचर्स नवे होंगे बेसिक्स उही है थिंग्स उही ने। मैं न्यू ग्राफिक्स पर क्लिक करदा तो नवी ग्राफिक्स खुलूगी जे मैं यह क्लिक करूँगा तो मेरी लास्ट जी ड्राइंग सेव की सी खुल जूगी बट मैं नवी खोलदा। हुण कॉरल ड्रा नूं सीखना शुरू करने वास्ते मैं इन्हां दे आ टूल बॉक्स या इहदी स्क्रीन बारे इंट्रोडक्शन दिंदा जिहड़ी इहदी आ कॉरल ड्रा दी विंडो है इहदे विच तुसीं चलो पहली लाइन तो पता ही है ना इनू आप तो असं ऑलरेडी फैमिलियर कि आप टाइटल बार कहने ए तो नैक्सट मीनू बार आ गई मीनू बार तो नीचे ये टूल बार आ गई इनू आप कह दें प्रॉपर्टी शीट जी हूँ मैं जिते A4 लिखा आ जिते मैं माउस हूँ मूव कर रहा इस बार नू प्रॉपर्टी बार कहते हैं क्यों कहने मैं दसदा आ टूल बार है टूल बार के मीनू बार कुछ कमांडा जिन्हें ज़्यादा जरूरत पैंती है उन्होंने कमांडा टूल बार रख्या हुआ जिदा आ अंडू कमांड है आ रीडू कमांड है कट है कॉपी है पेस्ट है फाइल न्यू खोलन दी है आ ओपन दी है आ सेव दी है आ प्रिंट दी है उस तो बाद आ प्रॉपर्टी शीट आ गई मैं यदा काम दसूँगा यदा बहुत काम है तो आ जिथे मैं हूँ माउस लैके जा रहा ना आ माउस में हिला रहा ये वर्टिकल इतने भी कमांड्स ने आप टूल बॉक्स कह दें तो आ रूलर बार जिते स्केल बनी है 250, 200, 150, 100, 150 नैगेटिव ने यह माइनस 50 है नहीं आ 50 पॉजिटिव है आ 0 है आ जी लाइन है इनू आप रूलर बार कहने हॉरीजेंटल रूलर है और इधरों थले आप जाइए अलोंग वर्टिकल इनू आप वर्टिकल रूलर बार कहने आ सारी जी शीट है इनू आप ड्राइंग एरिया या साडा कैनवस कह सकते हैं ये आ एक रैक्टेंगल टाइप का पेज वर्गा बनया है ना रैक्टेंगल बनी हुई है ये पेज नू डिनोट करता है कि जे आप कोई ड्राइंग पेज से प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इस एरिए बनाओ यानी आप कह दिए प्रिंटेबल एरिया
प्रिंटेबल एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੋਗੋ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ JPG 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, JPG 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਵੈਬ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਰਲ ਡਰਾਅ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਰਲ ਡਰਾਅ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਸਮਝ ਲਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਰਲ ਡਰਾਅ ਦੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਲੋਗੋ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਵੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ JPG ਫਾਈਲ ਜਾਂ PNG ਫਾਈਲ ਜਾਂ BMP ਫਾਈਲ, ਉਹ ਰਾਸਟਰ ਫਾਈਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਊਂਗਾ, ਇੱਥੋਂ JPG ਫਾਈਲ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਉਹ JPG ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੈਬ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਊਂਗਾ। ਈਵਨ ਮੋਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ JPG 'ਚ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਲ ਡਰਾਅ ਦੀ ਫਾਈਲ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੋਲ੍ਹ ਪਾਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੋਰਲ ਡਰਾਅ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨਰ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਰਲ ਡਰਾਅ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਰਲ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜਿਹਨੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਰਲ ਡਰਾਅ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੋਗੋ ਭੇਜਣਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਰਲ ਡਰਾਅ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਡਰਾਇੰਗ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ JPG ਫਾਈਲ 'ਚ ਜਾਂ PNG ਫਾਈਲ 'ਚ ਜਾਂ TIFF, ਕਈ ਫਾਰਮੈਟਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰਾਸਟਰ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੇ, ਬਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰਲ ਡਰਾਅ। ਅੱਛਾ, ਆਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਉਸ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਸਟਰਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਡੋਕਰ ਵਿੰਡੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਡੋਕਰ ਵਿੰਡੋ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਕਲਰ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾਇੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਰ ਇੱਥੋਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਲਰ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਂਡਾਂ ਨੇ ਕਲਰ ਭਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਡਰਾਇੰਗ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਲ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੂਲਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕ ਟੂਲਸ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਟੂਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਟੈਕਸਟ ਟੂਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਈਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਪਲ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਰ ਟੂਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਟੂਲ। ਟੈਕਸਟ ਟੂਲ ਆ ਏ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਊਸ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟੈਕਸਟ ਟੂਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸ਼ੇਪਸ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸ਼ੇਪਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਨੀ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਟੈਕਸਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਓਬਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਟੈਕਸਟ, ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਫੌਂਟ ਲਿਖਿਆ ਆ ਆਵੰਟ ਗ੍ਰੇਡ BKBT ਨੋਰਮਲ, ਇਹ ਫੌਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਨ ਲੇਅਰ 1 ਇਹ ਲੇਅਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਓਬਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਫੌਂਟ ਇਹ ਆ। ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 24, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ 48 ਐਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਇਟਸ ਫੌਂਟ ਸਾਈਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟੈਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਓਬਜੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸਟ। ਟੈਕਸਟ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਕੋਰਲ ਡਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਟੈਕਸਟ, ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਟੈਕਸਟ। ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਟੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਏ ਟੂਲ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਐਨੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਟਰ ਦੱਬ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕ ਸ਼ੇਪਸ ਆਰ 4,
इन कॉरल ड्रा। पहली हैगी है आर्टिस्टिक टेक्स्ट, दूजी हैगी है मैं अगे कराऊंगा फ्री हैंड टूल वो आप बनावे, तीसरी हैगी है रैक्टेंगल, चौथी हैगी है एलिप्स। ये चार आप बेसिक शेप्स में पहले सीखते हैं। तो आर्टिस्टिक टेक्स्ट यही है जो हम मैं बना रहा, आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ दूजी शेप जी है ना आर्टिस्टिक टैक्सट के एक चीज़ होर भी है नाल मैं दसनी चाहूँगा, जो आप ये क्लिक करके नवी कितने क्लिक करेंगे नव आर्टिस्टिक टैक्सट एक होर आ जाऊगा, एक नवा ऑब्जेक्ट होर बन जूगा, क्लिक किया नवा ऑब्जेक्ट इतने लिख सकते हैं। जे अगर मैं माउस नाल इतने ड्रैग कर लैंदा है ना एक रैक्टेंगुलर एरिया, दैन इनू आप आर्टिस्टिक टैक्सट नहीं कहते हैं, इनू कहने पैराग्राफ टैक्सट। दिस इज कॉल्ड पैराग्राफ टैक्सट, इट इज लाइक MS वर्ड और एनी वर्ड प्रोसेसर। ये बड़े छोटे छोटे अखर ने देख नहीं रहे है क्योंकि जूम छोटा किया हुआ, अखर भी छोटे साइज़ ने, जे मैं इनू जूम ना बढ़ा लेना आ, जूम बढ़ाने वास्ते कंट्रोल पकड़ के आप माउस में स्क्रोल करो उपर न, जो माउस नाल कंट्रोल पकड़ के स्क्रोल करते हैं नहीं कंट्रोल तो बगैर ही सॉरी मैं कहना सी कंट्रोल तो बगैर ही सिंपली स्क्रोल अप करते हैं तो जी यी ड्राइंग है ये वीडी हो जाती है। हम ये की है ये आर्टिस्ट ये पैराग्राफ टैक्सट है, ये कुछ भी मैं मान लो एवं कुछ लिख दें ये जो टैक्सट है दिस इज पैराग्राफ टैक्सट, ये वर्ड दारिया कमांडा चल दें जिमें टैब जिमें एंटर दबके नैक्सट पैरा स्टार्ट हो गया, लाइन स्पेसिंग है, यानी जो आप टैक्सट आर्ट पैराग्राफ टैक्सट लिखते हैं तो ये बुलेट एंड नंबरिंग बुलेट्स भी नंबरिंग भी वह कमांडा चला सकते हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ न रिलेटिड, यानी जिमें आप वर्ड पैराग्राफ या वर्ड आप वर्ड प्रोसैसिंग करते हैं उही कमांडा मिल जाते हैं। ये जी हूँ ऑब्जेक्ट बनाया मैं बाहर क्लिक कर देना ये ऑब्जेक्ट रेडी हो गया, मैं इन दोबारा छोटा कर लगे सो दैट कि मैं सारी ड्राइंग इकट्ठी दिखे। हुण मैं जी अपनी ये फाइल बनाई हुई है ये दो ऑब्जेक्ट बन गए, पहला आ ऑब्जेक्ट है इनू आप कह देंगे आर्टिस्टिक टैक्सट, दूसरा आ ऑब्जेक्ट है इनू आप कह देंगे पैराग्राफ टैक्सट। चलो ये तो हो गया टैक्सट ऑब्जेक्ट, मैं तुम्हें दसिया सी कि अपने को चार ने इदा दे टूल जिन्हां नाल आपां बेसिक शेप बनाने, आर्टिस्टिक टैक्सट एक हो गया, फ्री हैंड टूल, फ्री हैंड टूल का बटन की है मैं साइड पर करता, मैं साइड पर किमें करी जाने देखो माउस नू ना ड्रैग करके आप ऑब्जेक्ट नू कितने भी मूव कर सकते हैं, मैं इस ऑब्जेक्ट का इतों साइज़ भी घटा सकता हाँ, मान लो मैं साइज़ भी कर लिया एक साइड पर रखता, ठीक है जी। हुण आ जरा टूल है फ्री हैंड टूल यदा काम की है ये बारे आप सीखना शुरू करते हैं। आर्टिस्टिक टूल का एक काम यह है पहले नू क्लिक करो, जो आप माउस नाल एनी इदा माउस नाल इनू ड्रैग करी जाने, मैं माउस का बटन दब के माउस मूव कर रहे हैं, दिस इज टू मेक एनी शेप, कोई भी शेप कोई भी कर्व बना सकते हैं, आ मैं एवं जो जिधर जिधर माउस में मूव करेंगे उधर का बनेगी। ये भी दो किस्म की शेप्स बनते हैं, एक होंगे ने जिमें हम आ की है ना ये जितों मैं शुरू की घूम घुमा के जिथे स्टार्ट की उत्थे अगर रोकती तो यह जी शेप है आप कह दें क्लोज, ये शेप क्लोज है यदा स्टार्ट तो लैके एंड तक आपस अंदरों बंद है। एक मैं होर ड्रॉइंग बनाऊंगा सपोज ए वाले ये हैगा ओपन, जानी करव बनाने वास्ते इनू आप करव कह दें, इनू भी करव कहने इनू भी करव कहने, जोड़ा ये करव है ये तो ये करव च फर्क ही है, ये ओपन ये क्लोज है जोड़ा हूँ मैं चूज किया हो ओपन है, जोड़ा क्लोज है ये आप कलर फिल कर सकते हैं, इतों कोई कलर चूज करो वो कलर फिल हो जूगा, जोड़ा ओपन है ये कलर क्लिक करा फिल हो गया बट नहीं 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 यदा असर नहीं होगा ये कलर फिल नहीं हो गए। जे आप हूँ मैं कमांड दी कि येलो कलर फिल हो जाए कमांड ये स्टोर होगी, जे अगर मैं इनू द्वारा भी किसी तरीके क्लोज कर लवा दैन आटोमैटिकली भी येलो फिल हो जूगा, जिमें मैं इनू इतों देखो क्लोज मैं कर सकता इट्स वेरी ईजी कि आप माउस नाल इतने लिया द्वारा दी हूँ ये क्लोज हो जूगा क्योंकि जितों स्टार्ट किया उतों ही एंड हो गया, जो स्टार्ट एंड जुड़ गए क्लोज हो गया तो क्योंकि कमांड ये अपलाई की थी येलो फिल दी तो येलो फिल लग गया। तो ये हो गई करव, फ्री हैंड नाल आपां की बना सकते हैं माउस नूं ड्रैग करके
कोई भी ओपन या क्लोज कर्व बना सकते हाँ। नैक्सट इहदा काम एक होर है वह हैगा स्ट्रेट लाइन बनाउणी। स्ट्रेट लाइन बनाउण वास्ते की करदे आपां क्लिक करदे आ, ड्रैग नहीं करना, क्लिक किया हुण मैं कितें होर क्लिक करता, मान लो इत्थे क्लिक करता तां फ्रॉम दैट पॉइंट अप टू दिस पॉइंट स्ट्रेट लाइन विल बी क्रिएटिड। क्लिक किया स्ट्रेट लाइन बन गई। तो फ्री हैंड दे दो काम हो गए, एक है कर्व बनाउणा ड्रैग करके, एक हो गया स्ट्रेट लाइन बनाउणी। एक होर भी है आपां इत्थों ही फिर शुरू कर लिया, इत्थे क्लिक किया इत्थों लाइन अगे फिर कवर गई, लाइन एक्सटेंड होगी, हुण मैं इत्थे क्लिक कर दिंदा तो इत्थे तक जुड़ गई। जे मैं इत्थों फिर क्लिक करा एक तो हो गया कि शेप बन गई, बस ये हो गया ओपन कर्व। इहनूं भी आपां कर्व कह दिंदे, हालांकि कर्व नहीं लाइनां ने, इहनूं भी आपां ड्राइंग दा नाम इत्थे कर्व ही है, फ्री हैंड मोड च आपां ड्राइंग बनाई इहनूं आपां कर्व कह दिंदे आ। हुण मैं इत्थों फिर क्लिक करके दुबारा भी फिर मैं बिगनिंग तो जिथों शुरू कीते सी छड्डता, या मैं एम भी करता इत्थे क्लिक फिर क्लिक इत्थे क्लिक फिर क्लिक इत्थे क्लिक फिर क्लिक इत्थे क्लिक, इहनूं आपां पॉलीगॉन कह दिंदे आ। आपां लाइनां नूं यूज़ कर करके पॉलीगॉन बना लिया। हुण जदों आपां जिथों शुरू कीता सी उत्थे छड्डता, उत्थे दुबारा क्लिक करता तां इह क्लोज कर्व बन गया, ये फिनिश हो गया। हाँ मैं थोनों सिखाऊंगा इस भी अगों फरदर एडिटिंग बहुत वधिया तरीके नाल, बहुत ही फ्री हो तुसीं इहनूं फरदर एडिटिंग करन वास्ते भी, आई विल टीच यू। तो ये जिहड़ी ड्राइंग बनाई है इहनूं आपां कह दिंदे आ कर्व, चाहे चाहे तां उह आह ड्राइंग इह भी कर्व है, मैं इहनूं रैड कलर कर दिंदा, कोई कलर देता चलो, ये भी एक कर्व है, आह भी एक कर्व है, आह भी एक कर्व है। ये किवें बनाईआं ने, फ्री हैंड ड्राइंग, फ्री हैंड टूल यूज़ करके। नैक्सट रैक्टेंगल, आ टूल है जिथे माउस हुण लैके जा रहे हैं, इहनूं रैक्टेंगल टूल कहिंदे आ। क्लिक करो उतों बाद आपां माउस नाल कोई भी एक ड्रॉ कर लैंदे आ, उह रैक्टेंगल ही बनाऊगा। हुण बननी रैक्टेंगल है, जदों क्लिक करके इत्थे छड्ड दिंदे आ ये रैक्टेंगल बन गई। ये रैक्टेंगल बनाने वास्ते रैक्टेंगल टूल का इस्तेमाल किया जाता है। स्केयर बना सकते हैं, जे स्केयर बनाना तो मतलब की होगा ये रैक्टेंगल है, रैक्टेंगल तो स्केयर फर्क आ गया। जे आप विड्थ एंड हाइट बराबर रखेंगे, जिनी विड्थ उतनी हाइट तो आप स्केयर कहेंगे। ये स्केयर एक रैक्टेंगल है, यदा साइज देखो नीचे, यदा जी विड्थ है वह नीचे लिखी है 109.9, यदि यदि जी हाइट है लिखी है 75, यानी विड्थ ज़्यादा है हाइट यदि घट है, बराबर है नहीं गी, तो फिर इनू आप रैक्टेंगल कहेंगे। यदा सेंटर पॉइंट इस पोजिशन पर है 175, जिन जिमें नीचे लिखा है ना, इदा ही कंप्यूटर ने सेव कर लिया कि रैक्टेंगल का सेंटर यही है, विड्थ इन्नी हाइट इन्नी है, तो उन्होंने अपनी वर्डिंग स्टोर कर लिया। जो स्क्रीन पर शो किया इमेज बना के तो उन्हें सानू रैक्टेंगल बना के दिखाती, बट इनफैक्ट ये ड्राइंग नू भी मैथमैटिकली स्टोर किया गया है। हुण जे असी स्केयर बनाना हो फिर मैं थोड़ा थले करदा स्क्रोल डाउन कर लिया, जदों असी रैक्टेंगल बनाने हैं जे आप कंट्रोल नू पकड़ लिए, हुण कंट्रोल पकड़ना ना की होया, जदों आपां साइज सैट करते हैं इतों व्डा छोटा करते हैं माउस नाल, तां जिन्नी उहदी विड्थ है उतनी ही हाइट है। कंट्रोल पकड़न नाल विड्थ एंड हाइट ऑफ रैक्टेंगल एग्जैक्टली सेम हो जाते हैं। हुण ये स्केयर बन गया, नीचे देखो इहदी विड्थ है 47.447, इहदी हाइट भी उन्नी हुई है। तो कंट्रोल पकड़ के जे आपां रैक्टेंगल बनाउंदे आ तां उह आटोमैटिकली स्केयर बनदी है, जे कंट्रोल नहीं पकड़दे सिंपल, मैं हुण कंट्रोल तो बगैर सिंपल बना रहा तां इह रैक्टेंगल, हालांकि इत्थों मैं देखना पऊगा मैनूं इत्थों इत्थों तों भी मैं नीचे स्टेटस बार पर निगाह रखा, ओह मेरे तो माउस छड़ी गई, दोबारा करना, मैं नीचे स्टेटस बार पर निगाह रखा कि विथ किनी हाइट किनी है, मैं एग्जैक्ट देखना पेगा, तो जे मैं कंट्रोल तो पाता नो नीड। तो इस तरह ही सर्कल की गल एलिप्स की गल करना, मैं होर थले कर लेना है एलिप्स, माउस नाल आपां एलिप्स टूल नूं यूज़ किया, उस पर ड्रैग किया ये एलिप्स बन गया। एलिप्स ते सर्कल च फर्क यही है, एलिप्स दे विच की है विड्थ एंड हाइट विल बराबर नहीं हैं, तो आपां नूं कहिंदे एलिप्स। जे अगर एलिप्स की हाइट एंड विड्थ दोनों एग्जैक्टली इक्वल ने दैन वी से कि ये सर्कल है। आपां माउस दे नाल कंट्रोल पकड़ के बनाउने आ तां ये हुण सर्कल बन गया। कंट्रोल का काम यही है, उन्हें इनू
इक्वल रखना है, विड्थ एंड हाइट इक्वल रखना। हमने सर्कल है, हूँ इतने की है कि मैं कंट्रोल पकड़ा हुआ बनाने लगे, मैं कंट्रोल पकड़ लिया तो हूँ मैं माउस में पहले छड़ूंगा, कंट्रोल बाद छड़ूंगा, तो यह सर्कल है। यदि हाइट तो विड्थ कितनी है, नीचे लिखी है 50.238, यही विड्थ है यही हाइट है। सेंटर पॉइंट इसका है 288.927 -49.103, माइनस तो है क्योंकि ये लाइन जीरो तो थले आ। एक चीज़ होर है, शिफ्ट दब के बनाने, जे मैं शिफ्ट दब के हूँ रख बना सर्कल एलिप्स, तो जे मैं इतों शुरू किया तो यह सेंटर बन जूगा, इतों बार बार बढ़ूगा। तुम ट्राई करो अपने प्रैक्टिकल समय के शिफ्ट दब के कुछ ड्रॉ करो तो की हों, कंट्रोल दब के ड्रॉ करो तो की होंगे। जे दोनों दब लाँगे तो दोनों काम करेंगे, शिफ्ट अपना काम कर रही है, कंट्रोल अपना काम कर रही है। ये जितों शुरू किया सेंटर तो जितों जिते आप ड्रॉ करना स्टार्ट किया सर्कल का सेंटर बन गया। तो ये चार टूल हो गए, वन इज टैक्सट टूल, आर्टिस्टिक टैक्सट में स्पैशली गल करते हैं, सैकेंड हो गया एलिप्स, फिर हो गया रैक्टेंगल, फिर हो गया फ्री हैंड। एक होर है पिक टूल, इनू क्लिक करते हैं तो यद की होंगे, आप माउस नाल कितने भी क्लिक किया ये टूल सिलेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। तो सिलेक्ट करने वास्ते आप यूज करते हैं पिक या सिलेक्ट टूल, उपर सब तो टॉप दे पिया। हुण ये जो ऑब्जेक्ट ये सारे ना अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ने, आ एक ऑब्जेक्ट पिया क्लिक करते हैं ये सिलेक्ट हो गया, आ एक ऑब्जेक्ट इनू क्लिक किया ये सिलेक्ट हो गया, पहला हट गया। असी जे क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट के उपर तो एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होंगे जो हूँ किया, पहला वाला हट जाता है। जे असी चाहते हैं पहला वाला सिलेक्टेड भी रहे नाल एक होर सिलेक्ट हो जाए तो शिफ्ट दब के दूजे क्लिक कर दो, तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए। इसे लिखा गया टू ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड ऑन लेयर वन। जे मैं फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दिना ये सिलेक्ट हो गया, पहले हट गए, हूँ एको ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। एक ही है कर्व, इतने नीचे आ गया कर्व ऑन लेयर वन कि अपने कर्व सिलेक्ट किया हो। तो ये एक बार जिन्ना मैं हूँ सिखाया इन्ना तुसी ट्राई करोगे, बाकी नेक्स्ट डे।